अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद फिर से आ गई अपना कुकिंग ब्लॉग लेके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं कद्दू की खीर, जो कि मेरे स्टाइल में और सिंपल रेसिपी है गाइस। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कद्दू यहाँ पे कद्दूकश करके रखा है, अब हम इसको पका लेंगे। तो मैंने यहाँ पे पैन में कद्दू डाल दिया है। अब इसके साथ ही साथ मैंने हाफ कप पानी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ पे कद्दू जो है कच्चा रहता, इसीलिए पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, ताकि जो कद्दू है हमारा वो अच्छे से गल जाए। और हम इसको एटलीस्ट 10 मिनट्स तक पकाएंगे। उसके साथ ही साथ मेरे पास है 1.5 लीटर दूध, यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे जो कद्दू है वो अच्छे से गल गए। और मैंने यहाँ पे थोड़े से काजू बादाम पिस्ता भिखा के रखा था, तो अब हम ये भी इसको कट करके ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा दूध उबल रहा है, तो यहाँ पे देखो इसको अच्छे से बॉईल करेंगे, तब तक के ये आधा ना हो जाए, 1.5 से ये 1 लीटर ना हो जाए। और यहाँ पर मेरे पास है 180 ग्राम खोआ, तो मैंने यहाँ पर खोए को ऐड कर लिया है। अब खोए को हम दूध में अच्छे से पकाएंगे, तब तक के इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए, क्योंकि हमने इसमें खोआ ऐड किया है, तो थोड़ा दूध का कलर लाइट हल्का सा चेंज हो जाता है। और इसको थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे, एटलीस्ट 5 मिनट्स तक पकाएंगे। तो यहाँ पे देखो दूध अच्छे से पक गया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप शक्कर, आपके हिसाब से ऐड कर लीजिए, क्योंकि मेरे को थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद है, इसलिए मैंने 1 कप का इस्तेमाल किया है। और इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पे थोड़े से काजू बादाम और पिस्ता तीनों को अच्छे से साइड में कूट के इसमें ऐड कर लिया है। ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो या नहीं भी। और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिल्क मेड का इस्तेमाल किया है, यानी हाफ कप। मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने शक्कर ऐड कर दी थी, और हमारा खोआ भी है इसमें, तो इसका ऑलरेडी टेस्ट अच्छा होता, मीठा मीठा होता इसके लिए। तो अब हम इसको पकाएंगे। फिर यहाँ पे हमारा दूध पक गया, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे कद्दू हम जो बॉईल करके रखे थे, वो वाले कद्दू हम इसमें ऐड कर देंगे। और मेरे आज पता नहीं मेरी वॉइस को क्या हो गया, मेरे को लग रहा ना मैं ना काफ़ी दिन से थोड़ी बीमार हूँ, पता नहीं क्या हो गया फिर से मेरे को, और मेरे को पता नहीं बहुत ज़्यादा नज़र लगती रहती। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर। आप कौन सा भी इस्तेमाल कर सकते हो, नॉर्मल वाला फूड कलर भी ले सकते हो, ग्रीन, या फिर वो छोटे से बोतल में आता वो वाला भी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से काजू बादाम पिस्ता। इसके साथ ही साथ मैंने वेनिला एसेंस का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डालूँगी वेनिला एसेंस। अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे थोड़ी देर के लिए, एटलीस्ट 5 मिनट्स रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास थोड़े काजू बादाम भी थे, तो मैं भी ये ऐड कर दूँगी इसमें। और बताने मैं आज क्या बोल रही हूँ, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा भाई। खैर, यहाँ पे देखिए हमारी खीर अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई। तो अगर आप लोगों को मेरे चैनल पे आना है, मेरे चैनल के वीडियोस देखना है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ता, बिना सब्सक्राइब करे वीडियोज़ मत देखो। चलो अल्लाह हाफिज़।